नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आने वाले एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न निम्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो छात्रों, आज हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन करेंगे। गुप्त काल में समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा। यह एक कायर व्यक्ति था। विशाखदत्त नाम के विद्वान ने अपने ग्रंथ देवी चंद्रगुप्तम में यह बताया है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा। इसके समय शक राजाओं ने मगध पर आक्रमण किया। शक राजाओं ने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने को कहा। रामगुप्त ने अपनी रक्षा के लिए ध्रुव देवी को सौंपने के लिए तैयार हो गया। इस बात पर समुद्रगुप्त के दूसरे पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने विरोध किया। चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी का वेश धारण करके शक राजा के शिविर में गया तथा शक राजा की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पागलपन का नाटक करके अपने बड़े भाई रामगुप्त को भी मार दिया। चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और राजा बनने के पश्चात अपने बड़े भाई रामगुप्त की विधवा पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी इस घटना को ऐतिहासिक नहीं मानते हैं, परंतु आर डी बनर्जी, डॉक्टर अल्टेकर, प्रोफेसर वाजपेयी जैसे कुछ विद्वान इस घटना को ऐतिहासिक मानते हैं। चंद्रगुप्त के शिलालेख व अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त की माता का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त के दो पत्नियां थी, प्रथम ध्रुव देवी और दूसरी कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय कुशल राजनीतिज्ञ चतुर योद्धा था। इसके समय राजवंशों के साथ साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा अपनी शक्ति को मजबूत की। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम वैवाहिक संबंध था कुबेर नाग से। यह नागवंश की राजकुमारी थी। नागवंश से मित्रता करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इससे विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुबेर नागा के विवाह की जानकारी हमें पूना से प्राप्त ताम्रलेख से मिलती है। अगला इसका विवाह संबंध था वकाटक राजवंश से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से करवा दिया। इस वंश को भी इसने अपना मित्र बना लिया। अगला इसका वैवाहिक संबंध था कदंब राजवंश से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्रों का विवाह कदंब वंश के राजा काकुस्तवर्मन की पुत्री से करवा दिया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कुशल प्रशासक, धर्मपरायण, प्रजावत्सल, दानवीर शासक था। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परम भागवत, गणारी, सकारी जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय अभियान। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख उदयगिरी के गुहालेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी पाटलिपुत्र तथा इसकी एक अन्य राजधानी उज्जैन थी। इसकी प्रथम विजय निम्न प्रकार से थी। पहला पॉइंट है हमारा गणराज्यों पर विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारतवर्ष में छोटे छोटे गणराज्य विद्यमान थे। चंद्रगुप्त ने इन गणराज्यों को पराजित किया। दूसरी इसकी विजय है शकों पर विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुजरात, मालवा, काठियावाड़ पर शक राजाओं का राज्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईस्वी से 412 ईस्वी के मध्य शकों को पराजित किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगली विजय थी पूर्वी बंगाल पर विजय। मेहरौली के लोह स्तंभ से पता चलता है कि चंद्र नामक राजा ने बंगाल पर विजय प्राप्त करके अपनी सीमाएं आसाम तक बढ़ा दी। मेहरौली के लोह स्तंभ में चंद्र नाम का जो राजा उल्लेखित है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। अगली इसकी विजय थी पश्चिम भारत पर विजय। मेहरौली के लोह स्तंभ से पता चलता है कि चंद्र नामक राजा ने पंजाब, सिंध, वाहिली प्रदेश, हिंदू कुश पर्वत,
के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। अगली विजय है दक्षिण भारत पर विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिणी भारत के उन क्षेत्रों पर पुनः आक्रमण किया जिन्हें समुद्रगुप्त ने विजय किए थे तथा समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त के शासनकाल में वह स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्षिणी भारत के समस्त राज्यों तक फैला हुआ था। अंत में हमारा पॉइंट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मूल्यांकन। मूल्यांकन में प्रथम पॉइंट है चतुर राजनीतिज्ञ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चतुर राजनीतिज्ञ था। इसने वकाटक, कदंब तथा नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन शक्तिशाली राज्यों को अपना मित्र बना लिया। अगला पॉइंट है वीर योद्धा व कुशल प्रशासक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक कुशल प्रशासक था। इसने गणराज्यों को पराजित करके, गणारी शक राजाओं को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके साम्राज्य में हिंदू कुश, वाहिली, सिंध, पंजाब, सीमांत प्रदेश, असम, बंगाल, शक, कुषाण, दक्षिणी भारत, मालवा, सौराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात, कश्मीर जैसे क्षेत्र आते थे। अगला पॉइंट है हमारा धर्मपरायण शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय धर्मपरायण शासक था। इसके सिक्कों से लक्ष्मी, विष्णु के चित्र प्राप्त हुए हैं। यह हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था, परंतु बौद्ध व जैन धर्म के प्रति भी यह उदार था। अगला पॉइंट है कला व साहित्य का संरक्षक। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं विद्वान था। विद्वानों की मंडली इसके दरबार में निवास करती थी जो नवरत्न कहलाते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में निवास करने वाले नवरत्न इस प्रकार थे: कालिदास, धनवंतरी, वेताल भट्ट, शपनक, अमर सिंह, शंकु, वरुचि, वराहमीर, घटकर पर। चंद्रगुप्त द्वितीय महान विद्वान, दान प्रिय, कला प्रिय, अदम्य साहसी, प्रजापालक सम्राट था। इसने 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल में 399 ईस्वी के अंतर्गत फाइयान नाम का चीनी यात्री भारत आया। इसने अपने ग्रंथ फाकोकी में भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान की है। अतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष का एक महान शासक था। छात्रों, इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।